experience. And love, honey, love, what? Hello. Y'all have to say it with me. We have a honey. महाराज अस्ति महाराजा विराजमान
मगर की रात हमारी और हमारी सबसे विश्वासी। स्वागत है आपका मथुरा नगरी में। आपकी बहनों से मिलने का समाचार पाकर हम वक्त नहीं रुक सके, किंतु हाँ हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पिता महाराज ने दहेज की चीज मगर सैनिक भी भेजे हैं। अपने आप से उसे परिचय नहीं कर पाऊंगी। हाँ ये देखो सेनापति बाबू, आप तो ये जानते हैं, ये बेटे और ये प्रभु हमारे सबसे विश्वासी राज्य के सेनापति। Oh,
देखा नहीं। हम महाराजा धीराज को पहचान नहीं पाए। अपने भाई को नहीं पहचानते? नहीं, मस्ती की पहचानती हूँ, लेकिन आज मालूम हुआ नहीं पहचानती। दोष तुम्हारा है। हाँ, मेरा भी दोष है। मुझे पहचानना चाहिए था अपनी दुलारी बहन की अचानक नदी में गिरी गुड़िया को लाने वाले भाई का स्नेह स्वागत। लेकिन ये कैसा स्वागत जिसने तुमने अपने प्राण का बलिदान दे दिया? बोलो। बस बात नहीं, देख लिया। देखता माता था ना तुमने, अब दानव भी देख लिया।
कैसा पागलपन, एक मरे हुए पशु को मारने वाले गठों
में कुछ नहीं। ये पुरुषों के काम तुम्हारे जैसे त्रेत पृष्ठ नहीं है। हमने कितनी ही
निद्राहीन रातों में इस स्वप्न को भोगा था। तब हम 10 या 12 वर्ष के थे। पिता महाराज अपने राजपुरुषों के साथ जंगल में, पिता महाराज ने सरोवर के किनारे घोड़ा बांधा और वे उड़ती चील मेंढकों पर तीर बेचते रहे। पिता महाराज उस दिन बहुत खुश थे। उन्होंने मदिरा के 2-3 प्याले पिए और हमारे पास आए। कभी कभी लगता है कि
को देख के लगता है कि उसके लिए अपने प्राण तक त्याग दो, और तुम्हारी यही हंसी तो है जो किसी को भी अपना दास बना ले। क्यों? हमारे प्राण तुम्हारे हाथों में है, मगर साम्राज्य की यादव हम सब तुम्हारे हाथ में है। हमारे होते हुए तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं, जा सकते हो। महाराज, सेनापति जाने से पहले राजा के सम्मुख निकल नहीं होते। हम होते हम प्रणाम पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, उस पर दृष्टि रखें। जी भगवान, स्वाति को बुलाया जाए। जी देवी स्वाति में हरिए भगवान। क्यों बुलाया स्वाति? तुमने ये रात का साथ देखा? यही देखने को बुलाया था। नहीं, देखने के लिए आया कि तुम्हारा कर्म किसके बंदी है। मगध की राजकुमारी ने बंदी गृह को स्वर्ग बना दिया होगा। स्वाति, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। स्वाति, क्या चाहती हो? अपने कर्म का कटा हुआ सर। अपने कर्म ऐसे मत बोलो। अगर तुमने सच में हमसे प्रेम किया है तो स्वागत करो। हम जो भी करेंगे तुम वही करो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, परंतु इसमें सौगंध लेने की क्या जरूरत है? फिर भी ठीक है, तुम जो कहते हो मैं वो करूंगी। हम चाहते हैं तुम बोलो कंस, बोल क्यों नहीं रहे हो? शायद ऐसा उस दिन तुम्हें दोबारा ना मिले। हम चलो, हम चाहते हैं तुम रुक क्यों गए कंस? तुम बटो से भी तुम कहते तो मैं पत्थर से भी विवाह कर लेती। इसके सौगंध लेने की क्या आवश्यकता? स्वामी, हम पशुओं पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं अगर तुम उसके साथ करोगी तो नजर बनाए रखोगी। प्यार के अंदर देवता के भक्त भी अंधे होते हैं कंस, तुम जैसा कहते हो मैं वही करूंगी। जी भगवान। और प्रद्योत को जी प्रद्योत इनसे मिलिए। ये है देवी स्वप्न, यादव साम्राज्य की सबसे विश्वासी यादव कन्या। हम चाहते हैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें। जैसे आप Thank you.
के पक्षियों को देखता है, उस अलहर से गुड़ांचे भक्ति रूप सी रखते हैं। महाराजा की रास्ता की, महाराजा की रास्ता की, महाराजा
सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। महाराजा की राजकंस ने तुम लोगों का आशीर्वाद देकर तुम्हारे जीवन को धन्य किया है। अब तुम महाराज के सामने अपना वही लोकप्रिय नाटक प्रस्तुत करो। Ah!
राजा तो गया लेकिन साम्राज्य से ये वो कहाँ गया? हृदय में, यादवों के हृदय में, हम के घर में, उनके हृदयों में चलते उनके घर में बाहर कराते हो? नहीं नहीं महाराज, महाराज नहीं महाराज, ये मूर्जन अपने ईश्वर के बिना नहीं जाता। और अगर आज आते तो हम उन्हें नया ईश्वर देंगे। नया ईश्वर? हाँ, महाराजा विराज कर भगवान श्री कंस बनकर मंदिर में स्थापित हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, घोषणा कीजिए कि आज से यादव साम्राज्य में भगवान श्री कंस की उपासना होगी। जी केवल भगवान श्री कंस की, जो आ गया और जिसमें भी इसकी अवहेलना थी उसे उत्तर नहीं दिया जाए, जरूर दिया जाएगा महाराज। घोषणा कीजिए जी, बोलो भगवान श्री कंस की जय, बोलो भगवान श्री कंस की जय, बोलो भगवान श्री कंस की जय। उस दिन भी ऐसी ही बातें आती थी, धरती थमका रही, देवकी की प्रसव पीड़ा वैसी ही थी जिस प्रसव पीड़ा से धरती दर्द से उभर रही थी। हमारे काल देवकी के आठवें पुत्र हमारा काल, हमारा काल, परंतु ये कन्या है देवकी का आत्मा, ये कन्या है कंस। स्वाति, प्रेम और युद्ध की कोई मर्यादा नहीं होती। याद वैसे कोई नहीं, मैं भूलने लगती हूँ। क्या यही कि
तुम महाराजा धीराज, महापरमेश्वर, महापराक्रमी भगवान कंस को किंतु हम अभी तो उसे प्रेम करते हैं। झूठा ही सही सुनकर तेरा स्वाति सत्ता के शिखर पर हम बिल्कुल अकेले हैं। कोई भी नहीं है हमारे साथ कि हमारा साथ दे सके। किंतु इस अकेलेपन के बावजूद यौवन के प्रथम बसंत में तुमने एक स्वप्न देखा था कंस, और उसमें सबसे पहली आहुति तुमने स्वाति की दी, वो मर चुकी है। हाँ, तो उस अग्नि में कंस का भस्म हो गया। हाँ, प्रेमी कंस भस्म हो गया, किंतु उस यज्ञ अग्नि से जिस कंस का आविर्भाव हुआ वो महाराजा विराज, महापरमेश्वर, महापराक्रमी भगवान कंस है। तुम कितने निर्मम हो। मुझे तुम्हारे सत्ता धन का कोई लालच नहीं है कंस, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। तो हम कहां जाए, तुम ही तो हो बस। नहीं कंस, मैं विवश हूं, मैं कोई सहायता नहीं कर सकती। इसीलिए कि अपन भगवान वंश के आदेश देने लगे हैं। वहां के एक यादव नायक है नंद, उसका पुत्र कृष्ण था। वो कितने ही वर्षों से आशा लगाए थे कि वो हमारी हत्या करे भगवान श्री कंस। हमारे कहने पर अपनी गुप्तचरियों से कितना शिष्यों की हत्या करवा चुकी कंस। इन दोनों का विश्वास नहीं टूटा। इसे हत्या से उनका विश्वास टूट जाएगा। जब तक कंस है उसका एक अधिकार है उसे छूट जाने की अभी आशा कर लेगी। परंतु ये खेल कब तक चलेगा? जब तक हम दोनों हैं। अकेला हम दोनों की विवशता है। परंतु मेरी भी कुछ विवशता है। कृष्ण जन्म लेंगे उन्हें मारना कंस की विवशता है। परंतु मेरी भी कुछ विवशता है। पिछले दिनों मेरा एक मात्र पुत्र चल बसा, एक मात्र पुत्र चल बसा कंस। तुम जानते हो मुझे क्या लगता है? मुझे मथुरा की माताओं ने एक श्राप दिया। वो मुझे देखकर पता क्या कहती है? मेरे बड़े बड़े नाखून हैं, लंबे लंबे दांत हैं, मैं शिशु का रक्त पीती हूँ। लोग मुझे सूतना कहते हैं कंस। Yeah.
ये कैसे संभव हो सकता है? महाराज ये समाचार मथुरा में जंगल की आशा फैल चुका है। सभी लोग उस कृष्ण को अवतार समझ रहे हैं। एक पेट भर का बच्चा तेरी स्वाति की हत्या कर सकता है? हाँ महाराज यही सत्य है। प्रतीक है मुरली गोकुल नंदन का पुत्र कृष्ण। कृष्ण
Thank you.
रज प्रताप के लिए हमारे पास समय नहीं। कंस, तुमको क्या हो गया है? ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हारे मन में किए जा रही है? देखो मेरी तरफ, देखो मेरी आंखों में, देखो कंस, कैसी सुंदर आंखें किसी और की है क्या? ये भी सत्य है और वो देवी का आठवां पुत्र है।
ये भी सत्य है। तुमने इसकी सूचना हमें भगत ने ही दी। क्यों? मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। मैं थोड़ी देर लगेगी मैं कितने? तुम्हारा विनाश जानने वाला। अलार्म! मैं जानता हूँ। ये मेरे जीवन की अंतिम क्षण है। सत्य कहूँगा, तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलूँगा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं ऐसा ही चाहता था। तुम ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि मैं thank you.
अपने ग्रुप के बनाए क्रोधे की जहर की दीवारों में एकाकी प्रेम से व्याकरण व्याकरण समझ रहे हो ये तो और
Thank you.